नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार यादव। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 1262 की जो है फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी आफ्टर टाइपिंग। अभी इसका टाइपिंग होना है, जो की अभी तक आपको हम बताएंगे टाइपिंग कब होगा, टाइपिंग डेट भी बताएंगे इसमें। ठीक, तो टाइपिंग का डेट आपको बताएंगे कि कब होगा, उसके बाद पहले कट ऑफ बताएंगे। ठीक, तो टाइपिंग का डेट आपको अप्रॉक्स मान के चलना है नवम्बर लास्ट वीक में। कब? नवम्बर लास्ट वीक में, नवंबर का जो है लास्ट वीक में टाइपिंग हो सकता है, इसकी गारंटी नहीं है। कमीशन में आप लोग देख ही रहे हैं, आयोग सिलेक्शन का अप्लाई के लिए फॉर्म आ रहा है लेकिन सिलेक्ट नहीं कर रहा है कमीशन। हालांकि कमीशन में भी कुछ कमी है और सरकार में भी कुछ कमी है, क्योंकि तो स्टूडेंट्स की बात करते हैं हम। तो देखिए, इससे पहले ये जो जूनियर असिस्टेंट 1262 की जो फाइनल कट ऑफ बताने से पहले बता दूं, ये भर्ती जो है पेट 2000 21 पे आई। अब इसके साथ की कितनी भर्तियां निकल गई, जिसने कि मान लो कि अभी किसका 2021 में जिसका इसका नौकरी नहीं लगा हुआ, सब लोग फॉर्म भरते होंगे, लेकिन उसी के साथ में उसके पार्ले चलने वाली भर्तियों में जिसका नौकरी लग गया, वो तो अब इसके लिए बैठा नहीं रहेगा टाइपिंग करने के लिए, क्योंकि तो इससे बढ़िया वाली नौकरी इसको मिल गई, इससे तो खराब वाली। मान लो कि इसमें टाइपिंग करना है, किसी का अंडर में काम करना है, खराब तो नहीं कर सकते, और वहां पे आपने खुद को राजा बनना है, जो राजा बनेगा कि नौकर बनेगा। इसलिए राजा बनने के लिए लोग क्या करेंगे, जो लेखपाल हो गया वो जूनियर असिस्टेंट के चक्कर में नहीं पड़ेगा, और ग्राम विकास अधिकारी हो गया वो जूनियर असिस्टेंट के चक्कर में नहीं पड़ेगा, जो जेई हो गया जूनियर इंजीनियर। अब देखिए, इसको मोटा मोटी मिला के चला जाए तो लेखपाल की लगभग 8000 वैकेंसी थी, जिसमें से लगभग 6500 लोगों ने ज्वाइन किया है, 1500 सीट खाली है। अगर आप लोग जोर शोर लगाते हैं तो डीवी वो जो है ना वेटिंग का भी प्रावधान बन सकता है कमीशन के द्वारा। अब इसमें देखिए, ग्राम विकास अधिकारी का लगभग 2000 सीट था, उसके बाद जूनियर इंजीनियर का भी लगभग समथिंग 1900 कुछ था। तो इस तरह से टोटल आपको 8-10-12000 के आसपास सीटें निकल रही है, टोटल 12000 लड़के निकल गए। तो 12000 जो लड़के निकले जो नौकरी पाए हैं, कहीं ना कहीं ये मेहनत करने वाले लड़के होंगे, ये ज्यादा मेहनत करने वाले लड़के होंगे तभी तो पाए हैं। तो ज्यादा मेहनत करने वाले यानी जो बच्चे निकल रहे हैं बाहर जा रहे हैं, वो बच्चे कौन से बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो ज्यादा मेहनत करके जो अपना रिजल्ट बना रहे हैं वो ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे बाहर जा रहे हैं। अतः इसका जो है डायरेक्टली आपके कट ऑफ पे प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि टाइपिंग के लिए कितनी कट ऑफ लगी थी कैटेगरी वाइज, और मैं आपको इसमें सारे वीडियो में सबका कैटेगरी वाइज फाइनल कट ऑफ बताने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहेगा, चैनल पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। ठीक, तो अब जनरल की कट ऑफ लगी थी 48.25 टाइपिंग के लिए। अब इसमें जो है 12 गुना बच्चों को बुलाया गया, कितने गुना, 12 गुना बच्चों को बुलाया गया है। ओबीसी की विशेष कट ऑफ लगी थी, जैसे कि लेखपाल में 81.25 लगा था ना फाइनल कट ऑफ, उसी टाइप से इसमें भी ओबीसी और जनरल सेम चल रहा है। ईडब्ल्यूएस का भी सेम ही लगा है, तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल तीनों सेम कट ऑफ चली है टाइपिंग के लिए। उसके बाद बात किया जाए शेड्यूल का, जिसको बोलते हैं एससी, एससी में 44.25 पर कट ऑफ लगी है टाइपिंग के लिए। उसके बाद एसटी में लगा है 40.550, उसके बाद फ्रीडम फाइटर का लगा था 41.75 क्योंकि पोस्ट बहुत कम रहता है। उसके बाद फीमेल का 47.50 पर लगा है, फीमेल का कट ऑफ कितने पर लगा है 47.50 पर, इसे कर रहे थे तो फीमेल का कट ऑफ लगा था 47.50 पे। उसके बाद ईएसएम मतलब एक सर्विस मैन का कट ऑफ लगा 27 पे टाइपिंग के लिए, और फिजिकल में फिजिकल हैंडीकैप में 2 टाइप्स की पोस्ट है इसमें, बाकी के लिए नहीं है, जिसमें से एलवी के लिए लगा था 39.50 और एचएच के लिए लगा था 25.75। अब इसका जो है फाइनल कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है, अब देख ही रहे हैं कि 12000 प्योर कैंडिडेट जो है सेलेक्ट हो चुके हैं। इन 12000 में से बहुत सारे लड़के होंगे जो इसमें होंगे, क्योंकि तो इसमें जो है 43000 लगभग शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी पेट के थ्रू एग्जाम देने के लिए, और उसमें से 21000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, और 15000 लड़कों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। कितने को? 15175 या लगभग मान लीजिए 15000, तो 15000 बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है टाइपिंग के लिए। तो अब इसमें 12 गुने बच्चे हैं, तो अब आपकी कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है मैक्सिमम, अब इसका डायरेक्टली आपके जो है ना टाइपिंग के बाद कट ऑफ, ये कट ऑफ रहेगी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। आप जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो आप देख सकते हैं टाइपिंग के बाद कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, किसकी कितनी बढ़ेगी कैटेगरी वाइज। सब लोग अपना अपना ध्यान से देखते रहिए और टाइपिंग करते रहिए, क्योंकि समय निकल जाने के बाद आप देखिए 5512 भी लगा हुआ, बीपीओ का भी एग्जाम लगा हुआ, ग्राम पंचायत अधिकारी का, लेकिन सबसे पहले इसी का क्लियर होना है। ठीक,
सबसे पहले यही एग्जाम क्लियर हो रहा है तो आपको हम बता दें कि ये जो एग्जाम क्लियर हो रहा है तो इसकी कट ऑफ फाइनल कितनी जा सकती है। ठीक, तो देखिए जनरल की कट ऑफ, अब देखिए 12,000 लड़के निकल गए जो, तो जनरल की कट ऑफ मैक्सिमम बढ़ेगी फाइनल सिलेक्शन के लिए तो मैक्सिमम 7 से 7.5 नंबर तक बढ़ सकती है, यानी 7 से 7.5 नंबर तक बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी 48.55.25, यानी लगभग 56 तक मैक्सिमम जा सकती है। 56 मैक्सिमम कितनी जा सकती है, 56 मार्क्स मैक्सिमम जा सकती है, ये जनरल की कट ऑफ 56 मार्क्स जा सकती है। ठीक, उसके बाद ओबीसी का लेखपाल की ज्वाइनिंग हुई तो ओबीसी और जनरल की कट ऑफ सेम रहे तो इसमें भी मे बी पॉसिबल की सेम हो जाए या आपका थोड़ा सा डिफरेंट मिल सकता है 55.5 से यहाँ पे 56 के बीच में। ठीक, कहीं तो सेम भी हो सकता है। ठीक, क्योंकि जनरल और ओबीसी की कटा सेम ही रह रही है। उसके बाद आपको एसी की बात किया जाए तो 44 पे कटा लगा है, इन लोगों में कंपटीशन कम रहता है जो है ना मैक्सिमम बढ़ सकती है फाइनल कटा, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बढ़ेगी तो 5 से 6 नंबर, यानी इनका 49 नंबर से लेकर 50 नंबर तक के बीच में इनका है फाइनल सिलेक्शन होना तय है। उसी तरह से एसटी की बात किया जाए तो एसटी में आपको देखने को मिलेगा 40 नंबर पे जो कट ऑफ लगा है इसमें भी बढ़ेंगे मात्र 3 से 4 क्वेश्चन, और 3 से 4 नंबर तो इसमें हो जाएंगे 43.5 से लेकर के 44.5 तक इसमें फाइनल कट ऑफ हो जाएगा आप लोगों का एसटी का। आपको आगे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ और ओबीसी का कट ऑफ और जनरल का कट ऑफ सेम रह रहा है, लेखपाल का भी देखिएगा वीडियो का भी देखिएगा तो उसके हिसाब से इसमें भी सेम रहने का चांसेस हैं। अगर सेम रहेगा तो 56 नंबर जाएगा, अगर सेम नहीं रहा तो 55 नंबर तक, यानी 55 से 56 के बीच में रहेगा। ठीक, उसके बाद बात किया जाए फ्रीडम फाइटर का, तो फ्रीडम फाइटर की सीटें सीमित रहती है, इनकी कट ऑफ 41.75 पर लगी है तो इनकी फाइनल कट ऑफ 45 तक हो सकती है। फाइनल कट ऑफ कितनी हो सकती है, 45 तक हो सकती है, फ्रीडम फाइटर की फाइनल कट ऑफ 45 नंबर तक आपका हो जाएगा। उसके बाद बात किया जाए फीमेल का, तो फीमेल का 47.50 पर, 47.50 से मैक्सिमम से मैक्सिमम फीमेल में बढ़ेगी तो 3 से 4 नंबर बढ़ेगी, फीमेल की जनसंख्या बहुत कम है और फीमेल टाइपिंग में ज्यादा फेल हो रही है तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि फीमेल का कट ऑफ 50 से 51 नंबर तक मैक्सिमम जरा सकता है फीमेल का कट ऑफ। उसी टाइप से ESM यानी एक्स सर्विस मैन का कट ऑफ 27 पे लगा है तो फाइनल 30 पे हो सकता है, एक्स सर्विस मैन का फाइनल कट ऑफ 30 नंबर पे हो सकता है। अब देखिए फिजिकल हैंडीकैप में 39.50 पे LB का लगा है और HH का लगा है 25.70 पर, तो इनमें भी कैंडिडेट बहुत कम रहते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 या 50 कैंडिडेट होंगे टोटल तो इनमें कट ऑफ बहुत कम पड़ती है, 2 नंबर से 2.5 नंबर तक पड़ेगी तो ये हो जाएंगे 2 से 2.5 नंबर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो इसमें ऐड कर देते हैं हम तो 41.something नंबर आ जाएंगे पीएच का 41.50 और इनका एचएच जो है एचएच वालों का इसमें भी 2-3 नंबर पड़ सकता है तो इसमें 27.something नंबर आ सकता है। तो इस तरह से आप लोग इस फाइनल कट ऑफ यही रहने वाली है। अब टाइपिंग की डेट बता दी है नवंबर लास्ट वीक में, इसमें हिंदी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हिंदी पे ज्यादा ध्यान दीजिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम हिंदी के लिए मंगल फंड के लिए आपके जो शॉर्टकट की होते हैं 8.0141 8.0142 उसको वीडियो लेकर के आएंगे और पूर्ति देव का भी लेकर के आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये कटाफ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, सब फिल करके ये कटाफ लेखपाल ग्राम विकास अधिकारी और जूनियर इंजीनियर के ज्वाइनिंग के बाद कटाफ यही रहेगी, आप लोग फाइनल रिजल्ट आएगा तो देख सकते हैं। तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और आप जूनियर स्टूडेंट के स्टूडेंट है 55 से 12 के लिए तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें।